हैप्पी प्रिंस एक बहुत खूबसूरत मूर्ति था। वो सोने से ढका हुआ था। उसकी आंखें मोतियों से बनी थी और उसके तलवार में रूबी स्टोन था। तो वो अपने इस प्रीशियस गोल्ड, इसमें कीमती पत्थर को टुकड़ों में क्यों बिखेर देना चाहते थे? आइए जानते हैं। और पांडू क्या चल रहा है भाई? बज रहे हैं आगे से पीछे से लग रहे हैं, कल छाती चौड़ी करी मैंने, अपनों की प्रजा वाले आज मुंह फाड़ के हंस रहे हैं। पांडू क्या चल रहा है भाई? बज रहे हैं आगे से पीछे से लग रहे हैं, कल छाती चौड़ी करी मैंने, अपनों की प्रजा वाले आज मुंह फाड़ के हंस रहे हैं। बस भाई दांत दिखाने से बच रहे हैं, महाराज बिन स्माइल के भी जच रहे हैं, छट गए बंदे अब साथ मेरे अपने हैं, ये बीफ करने आए पांच बछड़े हैं। शहर की ऊंचाई पर एक लंबे कॉलम जिसके ऊपर हैप्पी प्रिंस की मूर्ति खड़ी थी, वो चारों तरफ से पतले गोल्ड के पत्तों से ढका हुआ था और उसकी आंखों में दो चमकदार मोतियाँ लगी थी। एक बड़ा सा रेड रूबी जो कि एक स्टोन होता है, वो उसके तलवार से चमक रही थी। एक रात उस शहर के ऊपर उड़ते उड़ते एक छोटा सा स्वैलो आया। उस स्वैलो के दोस्त पहले ही इजिप्ट जा चुके थे 6 हफ्ते पहले, पर वो पीछे ही रह गया था, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो भी अब इजिप्ट जाएगा। पूरे दिन वो उड़ता रहा और आखिरकार वो रात में उस शहर में पहुंच गया था। मुझे अब कहाँ ठहरना चाहिए, उस स्वैलो ने सोचा। तो उसने सोचा कि टाउन में ज़रूर कुछ न कुछ प्रिपरेशन इस सर्दी का हुआ ही होगा। तब उसने एक लंबे कॉलम में उस स्टैचू को देखा, तो स्वैलो ने सोचा कि मैं वहीं रहूँगा, ये बहुत अच्छा जगह हो सकता है फ्रेश एयर पाने के लिए। तो वो हैप्पी प्रिंस के पैरों के बीच में ही ठहर गया। उसने अपने आसपास देखकर कहा कि मेरे पास तो सोने की बिस्तर है। फिर वो प्रिपरेशन करने लगा सोने जाने के लिए, पर जैसे ही उसने अपना सर अपने पंखों के नीचे रखा, एक पानी की बूंद उसके ऊपर आ गिरी। फिर वो अचानक से चिल्लाया कि ये कैसी अजीब सी चीज़ थी, आसमान में तो एक बादल भी नहीं है और तारे भी पूरे साफ सुथरे चमक रहे हैं और फिर भी यहाँ बारिश हो रही है। इसके बाद फिर एक और बूंद पानी उसके सिर पे गिरा, तो उसके बाद वो अब थोड़ा सा गुस्सा गया कि ये स्टैचू किस काम का है अगर ये बारिश को भी ना रुक पाए। मुझे एक अच्छा जगह खोजना होगा, एक अच्छा चिमनी पॉट खोजना पड़ेगा शेल्टर के लिए। और फिर उसने ठान लिया कि वहाँ से उड़ जाए, पर जैसे ही उसने अपने पंख फैलाए, उस पानी का तीसरा बूंद उसके ऊपर गिरा और वो ऊपर देखा तो उसने देखा कि हैप्पी प्रिंस के आँख आंसुओं से भर गए थे। उसके आंसू उसके गोल्डन चीक से होते हुए गिर रहे थे। उसका चेहरा इतना खूबसूरत था कि वो चाँद की रोशनी में भी चमक रहा था। तो फिर सोयल ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो जवाब आया कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। तो अगर तुम हैप्पी प्रिंस हो तो तुम रो क्यों रहे हो, स्वैलो ने उससे पूछा, तुमने तो मुझे भिगा ही दिया था। तो स्टैचू ने जवाब दिया कि जब मैं ज़िंदा था और मेरे पास एक इंसानी दिल था, तो मैं नहीं जानता था कि ये आंसू क्या होते हैं, क्योंकि मैं एक पैलेस में रहता था जहाँ पे दुख को अंदर आना मना था। मेरे दरबार मुझे हैप्पी प्रिंस कहके बुलाते थे और मैं हैप्पी था भी। सो ऐसे ही मैं जिया और ऐसे ही मैं मरा, और जब मैं मर चुका हूँ तो अब मुझे इतनी ऊंचाइयों से कि मेरे शहर की अगलीनेस और सच्चाई मुझे अब पता चली है। क्योंकि मेरा हर्ट लीड से बना है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ रो सकता हूँ। तो उस स्टैचू की ये बात सुनकर वो स्वैलो भी खुद में सोचने लगा कि क्या वो पूरी तरह से गोल्ड का नहीं बना हुआ है, क्योंकि उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे, तो इससे डाउट हो रहा था। वो बहुत ज़्यादा पोलाइट था किसी पर्सनल बात को पूछने के लिए। फिर स्टैचू ने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहा, काफ़ी दूर एक छोटी सी गली है जहाँ पे गरीब का घर है, तो उस घर में किसी एक विंडो से जो कि खुला है, वहाँ से मैं देख सकता हूँ कि एक महिला टेबल पर बैठी हुई है। उसका चेहरा बहुत पतला है और झुर्रियों से भरा है, और उसके हाथ भी बहुत ज़्यादा कोर्स और लाल हो चुके हैं, और जो कि सुई से बहुत ज़्यादा गड़ चुके हैं, क्योंकि वो एक स्ट्रीम स्ट्रेस यानी कि दर्जी है। तो गाउन एक तरह का कपड़ा होता है जिसमें वो फूलों को सिल रही थी उस शहर के क्वीन के मेड्स ऑफ ऑनर के लिए। मेड्स ऑफ ऑनर मतलब जो क्वीन के जो सगे संबंधी उसके जो फ्रेंड्स हैं उनके लिए।
जो कि वो नेक्स्ट कोर्ट बॉल में पहनने वाली थी, यानी कि उनके दरबार का जो अगला कोई पार्टी वगैरह होना था उसके उसके लिए वो पहनने वाली थी। उस महिला के रूम के कॉर्नर पे एक बेड है जहाँ पे उसका छोटा बेटा बीमार लेटा हुआ है, उसे फीवर हुआ है और उसने अपनी माँ को ऑरेंजेस देने के लिए कहा है, लेकिन उसकी माँ को नदी का पानी देने के सिवाय कुछ नहीं है, इसलिए वो रो रहा है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, क्या तुम इस स्वर्ण में लगे रूबी को निकाल के उन्हें नहीं दे सकते, क्योंकि मेरे पैर तो इस मंच पे रहते रहते जम चुके हैं और मैं चल नहीं सकता। तेरे पापा का सुदामा, आके पैर धो, खून करू साफ, मैं हजामा, यू आर फेयर ब्रो, गोरा चिट्टा लौंडा है तू, पिंक कलर का मेरा टोपा भी है, सेम टू सेम ब्रो, हाई फाइव, तेरी मार ली गई है, साला बाप को दे वो भी मार ली नहीं है, बार से तू बार भी हार की, फोटो पे तेरे हार भी, टोपी खुद नहीं उतारी वो उतारनी पड़ी है, एक चिनाल थी शक्ल लेके मिस्टर कॉल की, बोलो हाथी घोड़ा पाल की, और जय हो गौरव पाल की।